इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घमासान जारी है। इस विवाद में सांसद नवनीत राणा भी फंस गए हैं। शनिवार को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रविवार को उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दे दिया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की कस्टडी की मांग को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। मुंबई पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी। 6 मई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे और 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। दोनों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। शिवसेना की शिकायत पर ही दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर नवनीत राणा अड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने इसके लिए शनिवार सुबह 9 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन इससे पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ता खार स्थित उनके घर पर जमा हो गए थे, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाई। इसके बाद शाम को मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153A के तहत, यानी कि धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस राणा दंपति को लेकर शाम करीब 5:30 बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी। हालांकि देर रात उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।